पागल है क्या, दिखता नहीं तुझे? तेरी तो मैं कंप्लेन करूंगा तेरे मैनेजर से। रुक तो अभी, पूरी पैंट गीली कर दी मेरी। वॉशरूम कहाँ है बता? आई एम सो सॉरी सर, वो गलती से मुझसे हो गया था। वॉशरूम अंदर है, वहाँ जाके आप चेंज कर लीजिए। एक मिनट में आया। I'm sorry, ma'am. क्या सॉरी, दिखता नहीं है तुझे? हमारी पहली डेट खराब कर दी। अब खड़ा क्यों है? जाना यहाँ से। सॉरी बेबी, वो पहली डेट में ऐसा हो गया। अरे कोई बात नहीं ना, आपकी गलती थोड़ी ना है। अरे रुको, मैं उठाती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। अरे इसमें तो ड्रिंक बदल दी। हाँ हाँ, ड्रिंक पियो ड्रिंक। ओके। वैसे आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, अब तो मैं घर ही जाऊंगी। ठीक ठीक, तुम पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। यार मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ बेबी तुम्हें? नहीं पता, बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? हाँ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। चलो 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 चलो, आओ। मैम तीन नंबर टेबल पे जो कस्टमर बैठे हैं ना, उन्होंने लड़की की कोल्ड ड्रिंक कुछ मिला रखा है और वो उसको बेहोश करके ले जा रहा है। हाँ तू सही कह रहा है, तू ऐसा कर, तू पुलिस को कॉल कर, मैं तब तक इनको रोकती हूँ। ठीक है सर। सर सर सर, सब ठीक तो है ना? मैडम को अचानक से क्या हो गया? हाँ सब ठीक है, वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, समझी? तो अपना काम कर। मैम अभी तो ड्रिंक कर रही थी, अचानक से क्या हो गया? अरे हाँ हाँ, ड्रिंक में कुछ भी नहीं था, बस इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैं सब संभाल लूंगा। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, ही पास में रहता, आपको तो उनको बुला लो, वो ठीक कर देगा। मैंने बोला ना सब ठीक है, अब जाए यहाँ से। सर पाँच मिनट दीजिए, बस वो पाँच मिनट में आ जाएगा, बस मैं कॉल कर रही हूँ मैं उसको। तुझे एक बार बोला ना मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, तू और तेरा वेटर अगर मेरे काम में बोला तो काट के रख देगा। चल अब निकल यहाँ से। ठीक है ठीक है सर, मैं जाती हूँ। गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हेलो हाँ मिस्त्री, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहां फौरन आ जाओ। यार मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ मैं भेज रहा हूँ, तुम फौरन आ जाओ। यार ये गाड़ी को पता नहीं अचानक क्या हो गया। तो फिर आ गई, तुझे एक बार बोला ना कि मेरे काम में दखल नहीं देने का, तुझे समझ नहीं आता? सुन मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मेरी रहती तो इस लड़की को यहाँ से ले नहीं जा सकता, और तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगी। करूंगी मैं नहीं, करेगी पुलिस, तू वो देख। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? ये लड़की छोड़ दे, पुलिस आ रही है, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ छोड़ दे मुझे। अब कर रहा है, तुझे भी पता चलना चाहिए लड़की को किडनैप करने का नतीजा क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, मैंने उन पर कितना भरोसा किया था। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कोई लड़की कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी। मैडम मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर दुनिया में हर इंसान गलत नहीं होता, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके साथ रहने वाला सही है या गलत है। अगेन थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की, थैंक यू भैया।